पचम्बा थाना क्षेत्र के लोहपेट्टी में दो भाइयों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों तरफ से 5 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायलों में से एक पक्ष से माला देवी, दुलार रजक और चंदन रजक घायल हैं, वहीं दूसरे पक्ष से दिनेश रजक व अंजू देवी घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पचम्बा थाने में आवेदन दिया है। बताया गया कि जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई है। दुलार रजक क्या घर है? लोहपेट्टी। क्या हुआ था? हुआ था हम मम्मी और छोटे भाई, हम लोग तीनों एक साथ रहते हैं। और 6 भाई हम लोग जैसे होते हैं, तो सब मम्मी को छोड़ दिया, सबको अलग हो गया। हम लोग 3 भाई जैसे अलग, 2 भाई छोटे भाई और हम दोनों साथ में मम्मी के साथ रहते, पापा मेरा नहीं। मम्मी हमको पोसा, सब कुछ किया, पढ़ाई लिखाई साथ में रहे। अब इन लोग का कहना है जैसे तुम बोलो मम्मी के साथ रहता है, इन लोग को जैसे वही लड़ा करके हमको जैसे मारपीट करते हैं। कौन लोग मारा है? अशोक रजक, दिनेश रजक, उसका परिवार और उसका बेटा। कहाँ रहते उन लोग? वो सब लोहपेट्टी भाई है। एक ही जगह? एक ही। झगड़ा किस बात को लेके हुआ? वही मतलब तुम जैसे ले लिया है सब कुछ, मम्मी रखा है सब, तुम्हारा संपत्ति ले लिया है, तुम उसी मम्मी के साथ रहता है, सब कुछ तेरा है, सब दो। तो हम बोले मम्मी मांग लो, हमको क्यों मांगता है, जो मांगना से मम्मी मांग, मम्मी का अर्जन है। तो उसी बात लेकर के जैसे हमको मारपीट बाप का करता है, मम्मी भी मारा है, छोटे भाई भी मारा है, मम्मी भी उधर इलाज करवा रहा है मेडिकल। कितने लोग घायल आप लोग? 3 लोग, तीनों है, तीनों घायल है। क्या नाम है तीनों का? मेरा। तीनों क्या नाम है? चंदन रजक छोटे भाई, मेरा मेरा दुलार रजक नाम है, मम्मी मेरा माला देवी। कहाँ घर है? लोहपेट्टी। क्या हुआ था? मतलब घर में झमेला चलता था पैसे से, मतलब बंटवारा के लेकर। तो हम मुखिया जी को बुलाए थे, तो मुखिया जी बोला ठीक है, हम 9 बजे तक आएंगे। फिर आदमी हम जुटाए, बोला तुम आदमी जुटा के रखो, वहाँ आदमी सब आ गए थे, विनोद भैया सर सब भी आए थे। तो मुखिया जी नहीं आए, नहीं आने के बाद फिर बोला 4 बजे तक आएंगे कन्फर्म, तब तक ये लोग मारपीट कर दिए। कौन लोग मारा? अभी दुलार रजक, चंदन रजक, दिलीप रजक और मसम्मत माला देवी, और उसका ससुर भी पीछे था साथ में। क्या नाम है? और उसका परिवार भी था, मतलब पूजा कुमारी, पूजा देवी।